भाई आ जा। गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीसी कपल वॉक में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैं मसूरी पहुंच चुका हूं और मैंने एक स्कूटी हायर कर ली है, ये टीवीएस की एंटॉर्क है। तो आज का प्लान है बुद्धा टेंपल जाने का, शाम हो चुकी है एक्चुअली, तो बुद्धा टेंपल को आज कवर करते हैं। बुद्धा टेंपल की एक अलग हिस्ट्री है मसूरी में, ये लाइब्रेरी चौक से करीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। हैप्पी वैली बोलते हैं उस एरिया को, वो टोटली एक तरह से देखा जाए तो तिब्बतियन सेटलमेंट ग्रुप के लिए है वो पूरी तरह से, जो इनके 14th दलाई लामा थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी जब उन्होंने तिब्बत को छोड़ा था 1959 में। तो लगभग 5000 वहाँ पे उस समय वहाँ से रिफ्यूजी आए थे जिन्होंने तिब्बत में मसूरी में। और ये एक तरह से देखा जाए तो तिब्बतियन फर्स्ट टेंपल है जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, और बाद में ये इसमें से बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए वहाँ हिमाचल में धर्मशाला में आफ्टर गवर्नमेंट अप्रोच। आप आर्किटेक्चर देखो इसका, कितना प्यारा बना हुआ है, कितना शानदार है, एकदम हैप्पी वैली के टॉप लेवल से थोड़ा सा नीचे हिल पे बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। मतलब आप आते हो यहाँ पे और आपको शांति महसूस होना शुरू हो जाता है, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तिब्बतन लैंग्वेज में इसे स्तूपा बोलते हैं। सामने से धूप आ रही है बहुत ही तेज, तो अब थोड़ा अंदर एंट्री करते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि ये अंदर से कितना शानदार लगता है। चलते हैं, अब अंदर एंटर करते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है मंदिर के अंदर का आने के बाद, जो सीधा पश्चिम की तरफ है, बिना शोर शराबा के बहुत ही प्यार से अंदर जा सकते हैं। ये देखो कितना बढ़िया, मतलब उन्होंने कर रखा है आर्किटेक्चर, कितना सुंदर डिजाइन है, भगवान बुद्ध कितने शांत बैठे हुए हैं, इनकी पेंटिंग्स, इनके जो एसेसरीज हैं, जो टेंपल बनता है इनका, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे 0 वाट के बल्ब लगा रखे हैं वाइट एंड रेड कलर में, छोटे से मंदिर बना के। ये एक अखंड ज्योत है जो इनका जलते रहता है, इनके किसी भी आप टेंपल में जाते हो तो। कितना प्यारा बनाया ना, कितना शानदार बनाया, मतलब मंत्रमुग्ध, आप घंटों बिता सकते हो यहाँ पे ना बैठ के, इतना प्यारा लगता है यार, मतलब मन नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का। दलाई लामा की एक पिक्चर भी लगी है, ये गौतम बुद्ध बीच में, ये इनके कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स हैं जो आसपास में रखे हुए होते हैं। दलाई लामा हंसते मुस्कुराते हुए, ये ऑलवेज मुस्कुराते रहते हैं, शांति प्रिय व्यक्तित्व, बहुत ही प्यारे। अब हम आगे बढ़ते हैं द प्रेयर व्हील की तरफ। द प्रेयर व्हील को तिब्बतन भाषा में मानी बोलते हैं, और ये व्हील होते हैं ब्लेसिंग के सिंबल्स। इसमें 6 कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं, ओम मा नी पद मे हम, मतलब ओम मनी पद मे हम, ये आपको स्पिरिचुअल थिंग मन में अपने बोलते हुए, और व्हील्स को क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ये एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, तिब्बतियन बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं इस पे कि ये मंत्र बोलने से मन में या लाउडली या खुद के लिए आपको बहुत ही पावर मिलता है, निगेटिव एनर्जी आपकी दूर होती है। और सच बोलो तो यार ऐसा करने से भी अच्छा लगता है, बहुत ही शांति मिलती है।
तिब्बतियन लोग ऐसे ही बहुत शांत होते हैं। बौद्ध धर्म ऐसे भी बहुत शांत धर्म है। इनमें हमेशा एक केयर की भावना आती है। ये धर्म ही ऐसा है, बहुत ही शांत, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल तो लगता ही है यार, इसमें कोई दो मत थोड़ी है। ये जो नीचे का इलाका आप देख रहे हो, इसमें वो बचे हुए तिब्बतियन लोग हैं। तिब्बतियन कॉलोनी है ये पूरी तरह से, जो धर्मशाला नहीं गए और यहीं पे स्टे कर रहे हैं। कुछ पिक्चरें डाली है मैंने इनके लाइफस्टाइल की, या बोलो आप मतलब कुछ पिक्चरें डाली है मैंने इनके घर की। 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने तिब्बतियन बच्चों के लिए एक सेंट्रल स्कूल खोला था, वो आज भी यहाँ पे है। और यहाँ पास में IS कॉलोनी भी है। तो ये इलाका हैप्पी वैली बहुत ही फेमस है। और अब हम चलते हैं ऊपर, अब हम जा रहे हैं दलाई हिल्स, जो कि 400 मीटर का ट्रैक है तिब्बतियन टेम्पल से। ये 2014 में तिब्बतियन इंडियन कांग्रेस ग्रुप, यूथ ग्रुप ने बनाया था। 400 मीटर के ट्रैक में आपको चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखेंगे। ये टॉप हिल्स में से एक है मसूरी का, तो आपको यहाँ से चारों तरफ बहुत ही हसीन वादियाँ दिखेंगी। रास्ते में कुछ शॉप्स मिलेंगे जिसमें आप मैगी, चाय वाय, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह कर सकते हो। चारों तरफ आपको तिब्बतियन ब्लेसिंग फ्लैग मिलेंगे और हरे भरे जंगल दिखेंगे आपको, बहुत ही प्यारे। आप किसी भी पॉइंट पर रुक के आराम से चारों तरफ का व्यू ले सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो, हल्का फुल्का स्नैक्स खाते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप टॉप पे पहुंचते हो तो नज़ारा ही कुछ और होता है। यहाँ गौतम बुद्ध की एक बैठी हुई प्रतिमा बनी है, बहुत ही प्यारी। नीचे दिखता है वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल स्कूल की प्लेग्राउंड, और वहाँ पे बना हुआ हेलीपैड भी दिखता है, और सिटी व्यू भी आती है यहाँ से, बहुत ही प्यारी। मैंने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो जाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सनसेट का वेट किया यहाँ पे, कुछ फोटोग्राफ्स लिए, सनसेट का मज़ा लिया। और एकदम जो भी अभी तक की थकान थी मेरी देहरादून टूर की, सहस्त्रधारा टूर की, वो सारी यहाँ बैठे बैठे निकल गई। मैं एकदम रिफ्रेश हो गया, बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। और थोड़ा वेट करके सनसेट के कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए मैंने, और फिर मैं वहाँ से वापस अपने होटल के निकल गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, थोड़ी देर में फ्रेश होकर मैं निकलता हूँ मसूरी नाइट व्यू के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ की नाइट की थोड़ी बहुत झलक, थोड़ी मस्ती, थोड़ा खाना पीना, थोड़ा स्ट्रीट फूड, और स्ट्रीट फूड के बाद वापस होटल जाएंगे, सोएंगे, फिर कल घूमेंगे मसूरी, देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कल क्या प्लान है वो आपको मैं शेयर करूँगा फिर।